अब जो हम गतिविधियाँ करेंगे वो स्वस्थ खाने के ऊपर करेंगे। तो इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हम खाना क्यों खाते हैं। मैम, हम खाना इसीलिए खाते हैं क्योंकि हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। हम अपने ओके शरीर को अच्छा रखेंगे, जब ही तो हम कोई काम कर पाएंगे आगे। ओके, बहुत बढ़िया। स्वस्थ रहने के लिए, हम खाना खाते हैं। ठीक है, नए हमको पॉइंट। खाने से एनर्जी मिलती है, इसलिए हम एनर्जी, खाना बहुत खाते बढ़िया, हैं। यानी कि ऊर्जा। ठीक है, हम खाना खाते हैं तो ताकत मिलती है और काम करने लगते हैं। बहुत बढ़िया, यहाँ से कोई बोलेंगे? खाना खाने से हमारे शरीर को ग्रोथ बढ़ता है, जिससे हम लंबे होते हैं या फिर हमारी शरीर की बहुत हड्डियाँ बढ़िया। बढ़ती हैं। हाँ, शरीर की बढ़ोतरी के लिए। खाने से हमारा खून बढ़ता है। खून बढ़ता है, बहुत अच्छा। और कौन बोलेंगे? मैम, खाने से हमारी मांसपेशियां बढ़ती हैं। बहुत बढ़िया, कोई और नया पॉइंट बोल सकते हैं? खाना खाने से हमारी हड्डियाँ तेज बढ़ती हैं। बढ़ती हाँ, हैं। खाना खाने से हमारा शरीर मजबूत रहता है। बहुत बढ़िया, ये अंदर की मजबूती जो है, ऊर्जा अलग है और मजबूती अलग है। ऊर्जा हमारी को एनर्जी एकदम से काम करने की, और मजबूती है अंदर से हम स्ट्रांग हो रहे हैं या मजबूत हो रहे हैं, ताकतवर हो रहे हैं। ठीक है, खाने का एक और रोल भी है जो है सामाजिक रोल। यानी कि हम सिर्फ खाना शरीर के लिए नहीं खाते, कई बार होता है कि जैसे किसी का जन्मदिन है, कोई पार्टी है, तो खाने की वजह से सब लोग एक साथ जुड़ते हैं, पिकनिक में जा रहे हैं, है ना। तो उसमें क्या है, सिर्फ खाना ज़रूरी नहीं है, सब लोग आए मिलें, एक दूसरे से बातें करें, कुछ खेल वगैरह खेलते हैं, ऐसा होता है ना, फंक्शन हो गया या कोई पार्टी हो गई या कोई पिकनिक हो गया, तो इसका एक सामाजिक रोल भी है, सामाजिक अंग भी है कि खाना लोगों को जोड़ता है। ठीक है, और एक और सामाजिक रोल है, कोई खास अगर त्यौहार आता है जिसको हम अंग्रेजी में फेस्टिवल्स बोलते हैं, तो हम इंतज़ार करते हैं पूरे साल कि हाँ भाई, दिवाली आएगी तो मुझे ये खाने को मिलेगा, होली आएगी तो गुजिया मिलेगी, कभी होता है कि दही बल्ले खास मौके पे बनाए जाते हैं, वो भी साल भर में एक बार बनेगा क्योंकि उस त्यौहार में बनाया जाता है, होता है ना। तो इसका ये महत्व भी है, खाने का महत्व त्यौहारों के साथ भी जुड़ा हुआ, और हम लोग याद भी करते हैं अब ये आएगा, तो हम ये नहीं याद करते कि उस दिन क्या किया था, किससे मिले थे, हमें कि उस दिन जो है उस त्यौहार पे ये खाने को मिलेगा, बड़ी एक्साइटमेंट होती है, खास करके बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल वेट करते हैं ना। मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आ गई है खाने के उस पे, है खाने की बात, और मैंने जब कही कि कुछ खास फेस्टिवल्स पे हम लोग कुछ अलग और स्पेशल खाना खाते हैं, कुछ उदाहरण देंगे कि कौन से त्योहार में कौन सा स्पेशल कुछ खाना बनाया जाता है घर में? होली पे गुजिया बनाई जाती बहुत है। बहुत बढ़िया। मैम, ईद पे सिमाई बनाई जाती है। रक्षाबंधन पे घेवर खाया जाता है। आपके घर में ऐसा आता है? ओके, वेरी गुड। तो तीन चीज़ें आपने बताई, रक्षाबंधन, होली, ईद, कोई और चीज़? हाँ, दीपावली में क्या होता है, एक माइक माइक में बोलें। मैम, हमें तो सोन पापड़ी पर। सोन पर, अच्छा, आपको पसंद है? मैम, रसगुल्ले। अच्छा, बनाते हैं घर में? यस, या लेकर आते हैं? आपके घर में कुछ खास होता है? मैम, दही बल्ले। हाँ, बहुत सही, ताल बजा दो, बढ़िया से। हाँ, बैठिए। तो आपने देखा कि स्वस्थ रहने के लिए, मजबूती के लिए, दिमाग तेज करने के लिए, ये तो है ही है, लेकिन खाने का महत्व यहाँ पे भी है कि ये लोगों को जोड़ता है, और हम खास मौके या खास त्योहारों पे भी अलग अलग टाइप के खाना हम लोग बनाते हैं और पसंद भी करते हैं, बल्कि बच्चे तो इंतज़ार भी करते हैं, हम भी करते हैं, बड़े हैं, हम भी इंतज़ार करते हैं कि फलाना त्यौहार आएगा तो ये बनाया जाएगा या बाहर से मंगवाई जाएगी, है ना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, जैसे क्रिसमस में लोग केक बनाते हैं, सबको बांटते हैं, सबको बुलाते हैं घर में पार्टी के लिए, उसी तरह से, है ना, एक तरह से भाईचारा बढ़ता है, लोगों के बीच में संबंध बढ़ते हैं, अच्छा लगता है। ठीक है, अब हम एक छोटी सी गतिविधि करेंगे और वो खाने के ऊपर है। इसमें जो है आप चार ग्रुपों में बढ़ जाएंगे, और इसमें करना क्या है पहले आप सुन लीजिए। मैं आप सबको एक एक प्लेट दूंगी, ठीक है, प्लेट मैं लेकर आई हूँ यहाँ पे, और आपके पास अपनी कॉपी है, ठीक है, पेन है, तो एक ग्रुप आपका यहाँ होगा, आप लोग एक ग्रुप में हैं, ठीक है, आप लोग भी आप यहाँ पे आ जाइए, एक ग्रुप आप बना लीजिए, ठीक है, आप लोग मिल बांट के इसको काम करेंगे, और बाकी आप एक ग्रुप में हैं, ठीक है, तो एक प्लेट आपके पास है, आप यहाँ बीच में चले जाइए क्योंकि आपको एक साथ मिलकर के बातें करनी है, उसी तरह से आप लोग एक ग्रुप में हैं, ठीक है, आप लोग, और बाकी आप लोग एक ग्रुप में हैं, ठीक है, ओके, आपको मिलकर
एक लिस्ट बनानी हो, क्या लिस्ट होगी? आपको लिस्ट बनानी है कि आप रोज के खाने में क्या खाते हैं, ये क्या खाना पसंद करते हैं। रोज जो खाना खाया जाता है आपके घरों में, आपके टिफिन में, नाश्ते में, लंच में, रात के खाने में, रोज का खाना क्या होता है, ठीक है? इसकी लिस्ट बनानी है आपको। आप दो ग्रुप में, आपको एक लिस्ट बनानी है और आपको एक लिस्ट बनानी है, ठीक है? तो सब लोग मिलकर के काम करेंगे तो थोड़ा, हाँ, आप सबकी बात आई जाएगी। ये नहीं कि सिर्फ एक व्यक्ति लिखे। और आप जो पीछे ग्रुप है, सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, आपको क्या करना है। आप एक ग्रुप है और आप एक ग्रुप है, आपको लिखना है कि खास मौके पे, कोई शादी पार्टी है, कोई त्यौहार है, तो उस समय खास खाना आप क्या पसंद करते हैं। आपका है रोज का खाना और आपका है खास खाना, उसकी लिस्ट बनाएंगे। तो आप पास में आकर के एक ग्रुप बना लीजिए, एक दूसरे की बातों को सुनिए, और एक लड़का और यहाँ पे एक एक लड़की लिस्ट बना ले, और आपको फिर प्रेजेंट करना है आपकी अपनी लिस्ट इस थाली के ऊपर, मुझे प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी थाली में ये चीज़ है। चलिए, मैं आपको 5 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से लिस्ट बनाइए। आप अपना काम कीजिए। ओके, चलिए, समय समाप्त हो गया है और हम, मुझे उम्मीद है कि आपकी लिस्ट भी तैयार हो गई होगी। आपकी लिस्ट बन गई है मेरी, मैं उम्मीद कर रही हूँ, ठीक है, बन गई है। बहुत बढ़िया। अब हम एक एक ग्रुप में उनकी लिस्ट को सुनेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं इस ग्रुप को चांस दे रही हूँ, और प्लेट ले लीजिए और मुझे बताएं कि आपके घर में जो आम खाना होता है वो कैसा होता है और क्या क्या होता है, ठीक है? हाँ, जोर से बोलें। सुबह में दूध, चाय, सैंडविच, फल, जूस। ओके। दोपहर में पराठे, रोटी, दही, सब्जी। ओके। शाम में चाय, पकौड़ी, मैगी, पास्ता। रात में दाल, चावल, रोटी, सलाद, चोखा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक ताली हो जाए। तो सबकी बात रखी गई है इसके अंदर। बहुत अच्छा। अब आप बताएं। मैम, दाल, चावल, रोटी, भिंडी, गाजर की सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी मैम, आलू मटर की सब्जी मैम, मैगी मैम, पास्ता, बैगन आलू की सब्जी मैम, गोभी आलू की सब्जी, पालक पनीर, सरसों की साग, पराठे, कचौड़ी, पकौड़ी, खीर पूड़ी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, अब मैं खास खाने वाले ग्रुप के साथ, हाँ, तो आप ग्रुप्स थे, ठीक है, जो कि खास मौके पे, कोई त्योहार पे, शादी पार्टी में जो खाना पसंद करते हैं उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है? मटर पनीर, पूड़ी, कचौड़ी, पुलाव, रसगुल्ले, छोले, चावल, केक, घेवर, गुलाब जामुन, सोन पापड़ी, समोसे, जलेबी, चाउमीन, बर्फी, सलाद, तंदूरी रोटी, लड्डू, सिमाई, गोलगप्पे, चिली पटेटो, बर्गर, डोसा, लस्सी। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भाई। हमारे तो मुंह में पानी भी आ गया, यहाँ पे लग रहा है कि लंच टाइम जल्दी से हो जाए, लग रहा है ना सबको? हाँ, बहुत अच्छा। अब लास्ट ग्रुप अपनी लिस्ट को तैयार करें। पूड़ी और शाही पनीर, पापड़, मिठाई आदि, केक, लड्डू, मिठाई, खीर। बहुत छोटी सी लिस्ट है लेकिन अच्छी है, बढ़िया। ओके, ये तो आपने बहुत बढ़िया बढ़िया लिस्ट तैयार कर दी है ना, और मैंने देखा कि जो रोज का खाना था काफ़ी आपने सोचा है ना, और काफ़ी लंबी लिस्ट बनाई है, और जो त्यौहार या मौक़ों की लिस्ट है, एक ग्रुप ने ज़्यादा लंबी बनाई है, एक ने थोड़ी छोटी बनाई है, लेकिन अच्छे आइटम्स भी डाले हैं उसके अंदर। चलिए, मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ खाने से ही संबंधित, ठीक है? एक तो हमने पहले पूछा खाना क्यों खाते हैं, ये आपने अच्छे से बताया मुझे। अब कुछ सवाल है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। आप रोज़ाना किस तरह का खाना पसंद करते हैं, खास मौके वाले या डेली वाले, आपको क्या खाना पसंद है? मैम, जो ज़्यादा हैवी ना हो मैम, थोड़ा हल्का टाइप का मैम, जैसे चावल, दाल या सब्जी या रोटी, इस टाइप का मैम, थोड़ा हल्का टाइप का, मतलब जैसे त्यौहार टाइप का नहीं, थोड़ा हल्का, मतलब बहुत हल्का। ओके, इसमें से कोई बताना चाहेंगे? मैम, हमें तो मैगी ज़्यादा पसंद है। मैगी, तो आप रोज ही खाना चाहेंगे मैगी? मेरा जब मन करता है तब खाते रहते हैं। अच्छा। हरी सब्जियाँ जैसे कि पालक, भिंडी, लौकी पसंद है? यस मैम। लौकी भी पसंद है? यस। बहुत कम बच्चे लौकी पसंद करते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि आपको पसंद है, ठीक है। आलू पराठा पसंद करते हैं रोज?
यस मैम। अच्छा ओके। मैम रोज खाते नहीं है। रोज खाते भी हैं। अच्छा ये बताइए कि किस तरह का खाना आपको खाना चाहिए रोज। एक तो है कि आपकी पसंद क्या है, ठीक है। किसी ने बोला कि हल्का खाना, किसी ने हरी सब्जियां बोला, किसी ने मैगी बोला, और सच्चाई से बोला है ना, इसने बहुत सच्चाई से बोला कि मुझे मैगी पसंद है और मैं खाना पसंद करती हूँ, जब मन करता है मैं खाती भी हूँ। और आपने कुछ खास करके पराठे की बात कही है ना, तो ये तो है कि पसंद, और एक है कि किस तरह का खाना आपको खाना चाहिए। आपको क्या लगता है किस तरह का खाना खाना चाहिए? हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। जैसे कि? जैसे दाल चावल रोटी सब। क्यों? अच्छा बोला, लेकिन क्यों? क्योंकि मैम हम उससे हेल्दी रहेंगे, यानी कि स्वस्थ रहेंगे। वेजिटेबल खाना चाहिए, इससे बताऊँ हमारे ये हेल्दी रहते, मतलब इससे मजबूती। हाँ ओके। और कोई जवाब कि आपको किस तरह का खाना, एक तो है पसंद और दूसरा कि वैसे क्या खाना चाहिए आपको? हरी फरी सब्जी खानी चाहिए क्योंकि उससे हमें विटामिन मिलती है। बहुत बढ़िया, एक ताली बजाएं, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। आपको रोज के खाने में क्या क्या शामिल करना चाहिए? एक तीसरा सवाल है, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां। यस मैम। और मैम सैलेड, सैलेड सैलेड भी तो सब्जियां हो गई मैम। गाजर, गाजर खीरे ये सब। अच्छा, यानी कि एक जो है जो पकी सब्जी है। यस मैम, एक सब्जी के रूप में, और एक है जो सलाद है जो कि कच्ची सब्जियां हम खा सकते हैं। और मैम हमें शाम के टाइम चावल नहीं खानी चाहिए मैम, रोटी खानी चाहिए। ये किसने बताया आपको? मैम शाम के टाइम मैम चावल नहीं खानी चाहिए मैम, नहीं खाना चाहिए चावल। एक मिनट, आपके आपको ही किसी ने बताया कि शाम के टाइम चावल नहीं खाना चाहिए? किसने? डॉक्टर ने बताया? नो मैम, कहते हैं उधर से। नहीं, ये बात सही नहीं है, बैठिए। ये बात सही नहीं है, कोई भी खाने का कोई वक्त नहीं होता। आप खा सकते हैं, अगर आपको पच जाता है, आपको पसंद है तो खा सकते हैं। एक उदाहरण देती हूँ, ये इस बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लें कि किसी भी खाने का कोई वक्त नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि चावल रात में नहीं खाना चाहिए या रोटी सुबह ही खानी चाहिए। देखिए हमारे देश में बहुत सारे प्रांत हैं जहाँ पे चारों टाइम चावल ही खाया जाता है। जैसे कि मैं दक्षिणी भारत से हूँ, ठीक है, हमारे यहाँ पे अक्सर चावल की चीज़ें खाते हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं अस्वस्थ हूँ, ठीक है। तो एक प्रांत के ऊपर है, एक जो हमारे जिस तरह का वेदर या जलवायु है उस हिसाब से भी खाना खाया जाता है। ये हो सकता है कि आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे रोटी खाई जाती है और तीनों टाइम या चारों टाइम भी रोटी या पराठे इस तरह की चीज़, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि किसी खाने की चीज़ का एक कोई वक्त है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको अच्छा लगे, आपके शरीर को अगर डॉक्टर ने किसी वजह से मना किया है या कहा है कि इसको अब नहीं खाइए या इस समय मत खाइए, वो अलग बात है। अदरवाइज उसके अलावा कोई और कारण नहीं है कि आप नहीं खा सकते, कुछ होगा नहीं आपको, ठीक है ओके। और कुछ बोलना चाहेंगे? कौन सी चीज़ें आपको शामिल करनी चाहिए, यानी आपके खाने में क्या क्या होना चाहिए? मैम सलाद, दही, ये सब क्यों खाना चाहिए हमें? मैम ये सबसे हमारे शरीर में हेल्दी रहता है, यानी स्वस्थ रहते हैं। क्या खास वजह है इसको शामिल करने से हम हेल्दी रहेंगे? हमें हरी सब्जियाँ खाना चाहिए। हाँ क्यों? मैं यही तो पूछ, आपने कहा, किसी ने कहा हरी सब्जियाँ, किसी ने सलाद बोला, किसी ने दही बोला, तो ये क्यों खाना चाहिए? एक तो है कि स्वस्थ रहना चाहिए, लेकिन स्वस्थ रहने का क्या मतलब है? क्या चीज़ मिलती है इनसे? एनर्जी आती है। एनर्जी आती है, यानी कि ऊर्जा मिलती है। हाँ बहुत अच्छा, हमारा पाचन तंत्र ठीक रहता है। हाँ बहुत बढ़िया जवाब है, बहुत बढ़िया। यानी कि हमें खाना पच जाता है तो हमें अच्छा लगता है, हम खुश रहते हैं, और जिस समय जब पेट गड़बड़ा जाता है तो अच्छा नहीं लगता ना, लगता है परेशानी हो रही है, खाने की तरफ देखना भी अच्छा नहीं लगता, लगता है सो जाएं, और मम्मी को हम बोलते हैं कुछ बना के दे दो मम्मी, पेट में कुछ कुछ हो रहा है, या दवा हमें खानी है, डॉक्टर के पास ले चलो, बहुत परेशानी हो रही है। तो यानी कि खाने के साथ साथ पाचन तंत्र उसको किस तरह से पचा पा रहा है या नहीं, ये बहुत ज़रूरी। बहुत अच्छा जवाब मैम। खाना मतलब जो हम ये हेल्दी फूड खाते हैं उससे मैम हमारे शरीर को एक प्रोटीन मिलती है, मतलब एक अलग से एनर्जी मिलती है, जिससे हम ऑल टाइम एक्टिव रहते हैं, हम ऑल टाइम एक्टिव में चलते हैं, हर काम एक्टिव करते हैं मैम, इसीलिए हमें हेल्दी फूड खानी चाहिए मैम। बहुत अच्छा, आपने ऊर्जा बोला, हमें एनर्जी मिलती है, आपने भी बोला था ना एनर्जी, आपने प्रोटीन की बात कही, प्रोटीन से सिर्फ एनर्जी नहीं मिलती, प्रोटीन से क्या मिलता है? एनर्जी तो हम काम करने के लिए हमें चाहिए, खाने से हमें एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, क्योंकि हमें एकदम से काम करना है, दौड़ना है, चलना है। अगर हमारे खाने में ऐसी चीज़ें नहीं होंगी जो ऊर्जा देती है तो हम उठ भी नहीं पाएंगे, इतनी हम में कमज़ोरी आ जाएगी। और आपने दूसरी बात कही प्रोटीन की, और सही कहा, प्रोटीन से क्या होता है हमारे शरीर में? हाँ बोलिए।
हमारे शरीर का विकास होता है। बहुत बढ़िया, एक ताली। आपने बोला था ना पहले वाले सत्र में हम खाना क्यों खाते हैं, तो अंदर की जो मजबूती है, अंदर का जो विकास है, वो प्रोटीन से ही तैयार होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा आंसर था। मेरा सवाल ये है कि क्या लड़का और लड़की को एक समान खाना मिलना चाहिए और खाना खाना चाहिए उनको? यस मैम, एक जैसा खाना चाहिए। क्यों मैम? क्योंकि प्रोटीन सबके अंदर होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छा जवाब है। इस सवाल का कोई और जवाब देगा? मैम जब सबकी बॉडी का ग्रोथ मैम एंड और ऑल टोटल चीज जब सबकी बॉडी का सेम है, तो मैम लड़के और लड़की में फर्क क्यों करना, उन दोनों को अलग अलग खाना क्यों देना, बहुत बढ़िया, दोनों भेदभाव क्यों करना मैम? बहुत अच्छा, बैठो। क्योंकि लड़का लड़की दोनों ही बढ़ रहे हैं, ठीक है, इस उम्र में आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है, आपका दिमाग बढ़ रहा है, तो खाना तो दोनों को ही चाहिए और एक जैसा ही होना चाहिए। हम ये सवाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अभी भी देख रहे हैं कुछ परिवारों में किसको ज़्यादा खाना मिलता है और अच्छा खाना किसको मिलता है। ज़्यादातर हम देख रहे हैं हाँ कि लड़कों को अच्छा खाना मिलेगा, जैसे उनको फल दिया जाएगा, उनको दूध दिया जाएगा, लड़कियों को कभी कभी नहीं देते। मैं ये नहीं कह रही कि सबके घरों में ऐसा है, लेकिन कुछ घरों में हम देख रहे हैं आज भी, इतने सालों बाद भी, जब हम कह रहे हैं लड़का लड़की एक समान है ना, पढ़ाई कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं, बाहर घर से बाहर निकल रही हैं, लेकिन कई परिवारों में आज भी ये विश्वास है कि नहीं, लड़कियों को इतना खाने की ज़रूरत नहीं है। लड़कियों के साथ भेदभाव होता है, आपने सुना होगा है ना। हम जो सोचते थे कि पहले 50 साल पहले होता है, 30 साल पहले होता है, लेकिन आज भी कई घरों में ऐसा हो रहा है कि लड़कियों को उतना खाना या उस अच्छा खाना नहीं मिलता। अगर वहीं पे लड़के हैं उस घर में, तो उनको अच्छा खाना मिलेगा, उनको ज़्यादा खाना मिलता है। तो ये बात सही है या गलत है? एक खाना होना चाहिए या अलग अलग होना चाहिए? हाँ, क्योंकि आपकी उम्र में और वैसे भी बाद में भी हम सबकी बॉडी तो ग्रे हो रही है, हम सबकी बढ़ोतरी हो रही है, हम सबको खाना चाहिए, हमें ऊर्जा चाहिए, अंदर की ताकत भी होनी चाहिए, है ना। ये सब तो लड़का लड़की सब में होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ निकालनी है दिमाग से कि लड़कों की ज़रूरतें अलग है, लड़कियों की ज़रूरतें अलग है, ऐसा नहीं है। ठीक है, उनको अच्छा खाना दोनों को मिलना चाहिए, ये नहीं कि लड़की को एक रोटी दें और लड़के को चार रोटी दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैम तो लड़का लड़की के लिए भेदभाव करता है, मैम उसके लिए कुछ बोलना चाहते हैं, लड़का लड़की एक समान, दोनों है अपनी संतान। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है जो पहले किया था हमने स्लोगन, उसका असर है ना। आप स्लोगन अच्छे अच्छे बता रहे, बहुत अच्छे, मुझे बहुत खुशी हुई कि स्वास्थ्य से भी बढ़कर आपने दूसरे टॉपिक्स के ऊपर भी स्लोगन सोचना शुरू कर दिया, याद करना शुरू कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है।